डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग फिजिक्स में एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रकाशिकी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑप्टिक्स, वो हम लोग स्टार्ट किए हैं ऑप्टिक्स पढ़ना। ठीक है, और ऑप्टिक्स में टोटल 4 चैप्टर है जिसमें हम लोग पहला चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन वाले में हम लोगों ने पिछले क्लास में गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा को पढ़े थे, जैसे ध्रुव किसको कहते हैं, किसको फोकस कहते हैं, किसको फोकस दूरी कहते हैं, किसको प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है, किसको वक्रता केंद्र कहते हैं, किसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, तो ये सब सारी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि गोलीय दर्पण में तो हम लोग देखे कि दो प्रकार होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के जो प्रकार हो गए, एक गोलीय दर्पण का दो प्रकार हुआ, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण का अगर दोस्तों बात करें तो अवतल दर्पण में आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई भी वस्तु कहां पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, यानी कि अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का प्रकृति, स्थिति और आकार के बारे में। ठीक है, तो चलिए टॉपिक लेते हैं। अवतल दर्पण के लिए सिर्फ सीख रहे हैं, तो अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आकार। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि अवतल दर्पण में अगर किसी भी वस्तु को कहां पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले, हालांकि आज तो हम लोग ये सीखेंगे, और दूसरा इसका आरेख भी खींचेंगे, यानी कि इसका सबका फिगर भी बनाएंगे कि आखिर अवतल दर्पण में अगर किसी भी वस्तु को रखेंगे, किस स्थिति में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक बनाएंगे उसमें, सॉरी, इसमें जो हम लोग बनाएंगे वो एक तरफ लिखेंगे वस्तु का स्थान, यानी कि वस्तु को हम कहां रखेंगे तो कहां बनेगा, एक तरफ वस्तु का स्थान हो गया। दूसरी तरफ लिखेंगे प्रतिबिंब का स्थान, यानी कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब का स्थान। ठीक है, और इसमें लिखेंगे, ये तो प्रतिबिंब का स्थान हो गया, इसमें लिखेंगे कि उसका प्रकृति, प्रकृति का मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति। अब जरा ध्यान से देखिएगा, प्रतिबिंब का प्रकृति में कौन कौन आ गया, तो प्रकृति में आ गया स्थिति और आकार। ठीक है, या आकार को काटे दीजिए, प्रकृति और स्थिति एवं स्थिति ऐसे कर लीजिए। ठीक है, स्थिति का मतलब स्थान, ठीक है, स्थिति का मतलब स्थान, और प्रकृति का मतलब कि उसका साइज कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग ये तीन रो बना लिए हैं और इसी तीन में हम लोग सब चीज पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर अवतल दर्पण में टोटल 6 केस बनता है, कितना केस, 7 केस बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में कितना केस, टोटल 7 केस। नंबर वन लिखेंगे, वस्तु अगर अनंत पे रहेगा, वस्तु का स्थान कहां, अनंत पे, तो याद रखिएगा वस्तु अगर अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो फोकस पर, फोकस
पर, ठीक है। और प्रतिबिंब का स्थिति कैसा होगा, तो एकदम बिल्कुल छोटा, अत्यंत छोटा जिसको बोल सकते हैं। तो प्रतिबिंब का प्रकृति में हो जाएगा अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा बनेगा, ठीक है। अत्यंत छोटा का मतलब जानते हैं, एकदम बिंदु के समान बनेगा, ठीक है, एकदम अत्यंत छोटा, ब्रैकेट में लिखिएगा बिंदु समान, बिंदु समान। और इसका प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक उल्टा, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग पहला केस हम लोग देखे कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। और उसका प्रकृति कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है अत्यंत छोटा बनता है, ठीक है, और बिंदु के समान, और वास्तविक और उल्टा। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा, दूसरा है अनंत और सी के बीच। सी मतलब वक्रता केंद्र, सी का मतलब क्या होता है, वक्रता केंद्र। तो दूसरा है अनंत और सी के बीच, अगर दोस्तों अनंत और सी के बीच अगर वस्तु को रखा जाता है, किसके किसके बीच, अनंत और सी के बीच, तो कहां कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो सी तथा एफ के बीच बनेगा, सी तथा एफ के बीच, यानी सी मतलब वक्रता केंद्र और एफ माने फोकस, ठीक है। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, कब, जब वस्तु अनंत और सी के बीच रहेगा तब। प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी तथा एफ के बीच, और कैसा बनेगा, तो ये छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, और वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा, ध्यान रखिएगा। ये होता है अत्यंत छोटा, तो अत्यंत छोटा और छोटा में अंतर होता है दोस्तों। अत्यंत छोटा का मतलब हुआ बहुत छोटा, और सिर्फ छोटा कहने का मतलब है कि उससे थोड़ा बहुत का अंतर रहेगा बस। तो कहने का मेरा मतलब कि पहला सिचुएशन बिल्कुल आपको याद रखना होगा, ये हम लोग किस किस दर्पण में देख रहे हैं, अवतल दर्पण में, यानी कि अवतल दर्पण मेरा फिक्स है, तब अपने वस्तु का स्थान जो है बदल रहे हैं। अगर उसको अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और अत्यंत छोटा बनेगा बिंदु के समान, और कैसा बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा। दूसरा है अनंत और सी के बीच अगर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो सी तथा एफ के बीच, सी मतलब वक्रता केंद्र और एफ मतलब फोकस, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट है अगर वस्तु को सी पर रखा जाए, सी पर, यानी सी मतलब वक्रता केंद्र, सी मतलब वक्रता केंद्र, तो अगर सी पर वस्तु को स्थान है तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, सी पर ही बनता है। ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पूछेगा कि अगर हम वस्तु को सी पर रखे हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो हम आंसर करेंगे सी पर। और कैसा बनेगा प्रतिबिंब का प्रकृति, तो समान, समान का मतलब वस्तु के बराबर ही बनेगा, यानी कि जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो समान आकृति का बनेगा, और वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा। ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी वस्तु को अगर सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी पर, और प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा, तो समान आकार का बनेगा लेकिन वास्तविक और उल्टा बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब के बारे में बोल रहा है कि वास्तविक और उल्टा होगा। चलिए उसी के नीचे आप लिखते चलिएगा, ठीक है, उसी के नीचे आपको लिखते चले जाना है, उसी के नीचे लिखते चले जाना है, ये तीसरा है ना। चलिए नंबर फोर वाला में लिखिएगा, फोर वाले में, तीसरा में था सी पर, चौथा में लिखेंगे सी तथा एफ के बीच,
यानी कि ये वस्तु को रखने वाला स्थान है, तो चौथा में लिखेंगे सी तथा एफ के बीच, यानी कि वस्तु की कहां रख रहे हैं, तो सी तथा एफ के बीच। तो जब सी तथा एफ के बीच अगर वस्तु को रखेंगे तो हम लोगों को प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो सी तथा अनंत के बीच, सी तथा अनंत के बीच। ध्यान दीजिएगा, हम वस्तु को कहां रख रहे हैं इस बार, सी तथा एफ के बीच, ठीक है। और तो हम लोगों का प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, क्योंकि सी का मतलब होता है वक्रता केंद्र, ठीक है। और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा, बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा। यानी कि देख पा रहे होंगे हमेशा वास्तविक उल्टा ही बनता है, सिर्फ एक सिचुएशन ऐसा है जहां पे हम लोगों का दो सिचुएशन सॉरी जहां पे आभासी और सीधा बनता है, बाकी सब जगह वास्तविक उल्टा बनता है। तो यहां पे जो बड़ा बन रहा है मतलब वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पांचवा नंबर, अगर हम लोग वस्तु को फोकस पे रखेंगे, ठीक है, एफ पर, यानी कि जब वस्तु को फोकस पर रखा जाए तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा दोस्तों, तो जब वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। अब जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, ये दोनों उल्टा होता है, ठीक है। और यहां पे जो प्रतिबिंब बनेगा अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा का और सिर्फ बड़ा में फर्क है, बड़ा का मतलब थोड़ा बहुत बड़ा चलेगा और अत्यधिक बड़ा का मतलब बहुत बड़ा, अत्यधिक बड़ा वास्तविक उल्टा, ठीक है। तो ये पांचवा केस था, कब, जब हम लोग फोकस पर रखेंगे तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सिचुएशन, अगर हम लोग फोकस तथा पी के बीच रखेंगे तब, एफ तथा पी के बीच, अगर दोस्तों एफ तथा पी के बीच अगर वस्तु को रखेंगे तब हम लोगों को कहां कहां बनेगा, एफ तथा पी के बीच अगर वस्तु को रखेंगे तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो एफ तथा पी के बीच अगर वस्तु को रखते हैं तो ये जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे, ठीक है। और दर्पण के जब पीछे बनता है तो ये भी हम लोगों को क्या बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, यानी कि यहां पे बड़ा प्रतिबिंब बनता है लेकिन अब की बार में आभासी बनता है, आभासी। और जब आभासी होगा तो हम लोग सीखे ना है कि आभासी बनेगा तो सीधा भी बनेगा, ठीक है। तो एक और है उसको हम लोग सातवां यहां हटा ही देते हैं, ठीक है। और सातवां है पी पर अगर वस्तु को रखेंगे, पी का मतलब ध्रुव, कल ही सीखे थे ना हम लोग कि ध्रुव का डेफिनेशन क्या है, तो जब किसी भी दर्पण का परावर्तक सतह का मध्य बिंदु जो होता है वो गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। और ध्रुव को हमेशा पी से सूचित किया जाता है, ध्रुव को हमेशा किससे सूचित किया जाता है, पी से, ठीक है। तो अगर हम लोग वस्तु को पी पर रखेंगे तो ध्यान रहे हम लोगों का जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, तो प्रतिबिंब भी पी पर ही बनेगा, यानी कि जब वस्तु को पी पर रखेंगे तो दर्पण भी मेरा पी पर बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा लेकिन आभासी और सीधा बनेगा। तो टोटल मिलाकर हम लोग अगर बात करें
तो अवतल दर्पण में टोटल कितना केस है? 7 केस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यही 7 होता है अवतल दर्पण के लिए। यानी कि आपको बिल्कुल इसको याद रखना चाहिए, कोई भी अगर कहीं से भी सवाल आता है कि यदि किसी भी वस्तु को अवतल दर्पण में फोकस पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसका प्रकृति क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, अत्यधिक बड़ा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आप सभी को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हम लोगों को कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इस 7 का फिगर देखेंगे या ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ। ठीक है, उसको बोलते हैं आरेख खींचना। ठीक है, प्रतिबिंब का आरेख खींचेंगे सबके लिए, 7 के लिए हम लोग खींचेंगे। ठीक है, तो अब जो हम लोग टॉपिक लेंगे वो क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों का आरेख। लिखा जाए टॉपिक अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आरेख, आरेख चित्र। चलिए, तो यहां से आपको पता चल रहा है कि जो 7 हम लोग इस टेबल में, इस सारणी में 7 हम लोग जो लिखे हैं, अब 7 का हम लोग फिगर बनाएंगे। नंबर 1 से पहला क्या था? जब वस्तु कहां है? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर हो, ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका आरेख, इसका फिगर कैसे बनेगा? हालांकि हम लोगों को हमेशा क्या लेना है? अवतल दर्पण। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी चीजों को पढ़ते हैं। तो पहला क्या है? जब वस्तु अनंत पे हो, तो जब वस्तु अनंत पे हो तो हमको याद है कि उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, छोटा बनेगा और बिंदु समान बनेगा, वास्तविक उल्टा होगा। चलिए देखते हैं, चलिए सबसे पहला जो पहला सिचुएशन है, जब वस्तु कहाँ है? अनंत पर। जब वस्तु कहाँ है? अनंत पर। तो जब वस्तु अगर दोस्तों अनंत पर है और कौन सा दर्पण दिया हुआ है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि वह दर्पण जिसका बाहरी सतह क्या है, पेंट किया है, उसी को ना अवतल दर्पण हम लोग कहते हैं। ये हो गया कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और इस अवतल दर्पण का एक मुख्य अक्ष होता है जो सेंटर से गुजरता है, वक्रता केंद्र से और ध्रुव से होकर गुजरता है। तो आपको हर सवाल में, हर स्थिति में आपको ये फिगर इतना बनाना होगा, एक अवतल दर्पण बनाना होगा, एक मुख्य अक्ष बनाना होगा। इसी को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अच्छा। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का मुख्य अक्ष, ये तो जान ही रहे हैं हम लोग, वक्रता केंद्र, और ये हो गया पी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों का वस्तु कहां से आ रहा है? अनंत से आ रहा है। वस्तु कहां से आ रहा है? अनंत से। तो अनंत पे का मतलब मान लिया जाए कि सूर्य, सूर्य कहां है दोस्तों? अनंत पे है ना। सूर्य कहां है? अनंत पे है। तो ये सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होंगी वो कैसे होंगी? तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें अगर समानांतर होंगी तो फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, और दूसरा बात, जब वस्तु अगर अनंत पे हो तो
कहां उसका फोकस बनेगा, तो अनंत से आ रही है प्रकाश की किरणें, ये देख पा रहे होंगे, अनंत से, अनंत का मतलब इधर कहां है पता नहीं है, तो अनंत से आई तो परावर्तन के बाद मुड़ी, और इधर भी अनंत से गुजार सकते हैं, तो अनंत से आई तो यहां पे गुजर गई, तो ये अनंत से आ रही थी, तो अनंत से जैसे ही आई तो जहां पे ये लोग मिला, ये दोनों किरणें मिला, उसको बोलते हैं एफ। तो देख पा रहे होंगे अनंत से जब आ रही थी प्रकाश की किरणें, ये कहां से आ रही है डॉट 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 डॉट, यानी कि अनंत से जब प्रकाश किरणें आई तो इस पर टकरा कर फोकस से गुजरती है, तो यहां से भी टकराई तो फोकस से गुजरी, तो दोनों किस पॉइंट पे मिला, फोकस पर। इसीलिए दोस्तों हम लोग ये पता चला कि यहां जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनेगा, फोकस पर एक पर प्रतिबिंब बनेगा, और वस्तु से देख पा रहे हैं वस्तु कितना बड़ा है, अनंत है, और यहां एक बिंदु के साइज का बन रहा है, यानी कि अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा बन रहा है, कैसा, बिंदु के समान, बिंदु समान। और इसमें अगर बात करें इसका प्रकृति, तो वास्तविक और उल्टा बन रहा है, क्यों वास्तविक उल्टा, क्योंकि जिधर वस्तु है उधर ही इसका इमेज भी बन रहा है, यानी कि अगर दर्पण के बाई ओर, दर्पण के बाई ओर अगर प्रतिबिंब बनता है उसको वास्तविक और उल्टा कहा जाता है। तो ये दर्पण है, दर्पण के बाई ओर ना ये प्रतिबिंब बन रहा है, तब हम इसको बोलेंगे वास्तविक उल्टा। तो यही सवाल हम लोग वहां पे पढ़े हुए थे, तो इस फिगर के नीचे राइट साइड में दाहिने तरफ लिख देंगे कि जब वस्तु अगर अनंत पर हो तो ये फिगर से क्लियर हो रहा है कि फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा, बिंदु के समान, और वास्तविक और उल्टा होगा। तो ये हम लोगों का ये पहला फिगर था, यानी कि पहला आरेख था, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, अनंत और सी के बीच रखेंगे तब क्या होगा, यानी कि दूसरा सिचुएशन, ठीक है। तो दूसरा सिचुएशन क्या है, तो ये अब हम लोग चलते हैं दूसरे पे, सभी का आरेख खींचना है, टोटल सात तरह का हम लोगों को आरेख खींचेंगे अवतल दर्पण में, ठीक है। जब उत्तल दर्पण में पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम लोगों को आरेख खींचना होगा, और इसको बिल्कुल अच्छे से पेंसिल के की सहायता से आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्या है, जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो, अनंत और सी के बीच हो, तो जब वस्तु अगर अनंत और सी के बीच रहेगा तब हम लोग देखेंगे कि उसका इमेज कहां कहां बन रहा है, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे जब वस्तु अनंत और सी के बीच रहेगा तो हम लोग उसका प्रतिबिंब कहां कहां बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब वस्तु को अनंत और सी के बीच रखना है तो एक अवतल दर्पण बनाइए, यह एक अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, और इसके बीच में एक प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष गुजारिए, ठीक है, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, इसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब बात किया जाए कि इस दर्पण का ये ध्रुव है और ये हम लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी है, ठीक है। अब बात किया जाए तो अगर अनंत और सी के बीच वस्तु रखा जाए, दोस्तों अनंत तो इधर हो गया और सी यहां है, तो मान लिया कि एक वस्तु को रख दिए यहां पे, ए और बी एक वस्तु है, अनंत और सी के बीच में एक वस्तु है जिसको बोल रहे हैं ए बी, ये क्या है, वस्तु, ए बी एक वस्तु है, तो हम लोगों को, अच्छा मान लिया जाए कि यहां पे फोकस है, सपोज दैट यहां पे फोकस है,
फोकस हमेशा पी और सी के बीच में होता है, ठीक है। ये भी आपको साथ साथ ड्रॉ करना होगा कि किसी भी अवतल दर्पण में या किसी भी दर्पण में जो फोकस होता है वो कहाँ कहाँ होता है, पी और सी के बीच में, तो इसको भी हमेशा लिखते चलना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देख पा रहे होंगे कि जब सबसे पहले यहां से अगर हम लोगों को एक रे गुजारेंगे, क्योंकि जानते हैं ना कि प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई किरणें दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद वो फोकस से होकर गुजरती है। ये बात आप याद रखिएगा कि अगर कोई भी रे, एनी रे रिफ्लेक्टेड टू द पैरेलल ऑफ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो परावर्तित परावर्तन होने के बाद यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। और एक बात और याद रखिएगा कि एक जो किरण निकलती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यानी कि वक्रता केंद्र से अगर गुजरती है तो वो वक्रता केंद्र पे ही वापस लौट आती है। यानी कि इसका मेन मैकेनिज्म ये हुआ कि अगर कोई किरण सी से होकर गुजरेगी, ठीक है, सी से होकर गुजरेगी तो वापस सी पे ही चली आएगी, ठीक है। यानी कि सी से अगर किसी भी किरण को गुजारा जाता है तो टकराने के बाद वो सी से ही वापस मुड़ जाती है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो ये वाला किरण और ये वाला किरण कहां पे मुड़ा, कहां पे मिला, यहां पे, तो इसका नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। ये हम लोगों को कहलाएगा प्रतिबिंब। तो देख पा रहे होंगे आप, हम लोगों का ए बी इतना बड़ा वस्तु था लेकिन ए डैश बी डैश छोटा आया, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा। दूसरा बात कि ये जो प्रतिबिंब है ये कहां बन रहा है, तो दर्पण से बाईं ओर। अच्छा, सबसे पहले कि वो ये फोकस कहां कहां, प्रतिबिंब कहां कहां बन रहा है, तो सी तथा एफ के बीच बन रहा है। ए डैश बी डैश को देखिए, तो सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच, यानी कि जो हम लोगों का प्रतिबिंब बन रहा है वो सी तथा एफ के बीच बन रहा है, सी तथा एफ के बीच, ठीक है। दूसरा बात कि ये हम लोगों का वस्तु से क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, यानी कि छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, वस्तु से छोटा। दूसरा बात, तीसरी बात कि ये दर्पण से बाईं तरफ है या दर्पण से दाईं तरफ है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण से बाईं तरफ है, तब हम इसको बोलेंगे वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तो देख पा रहे होंगे आप फिगर को थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा, अलग अलग सिचुएशंस के लिए हम लोग यहाँ पे प्रूफ करते हैं। जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो तो हम लोग उसका फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको ऐसा ही ड्रॉ करना होगा ताकि प्रतिबिंब हम लोग को सी तथा एफ के बीच बनना चाहिए, ठीक है। तो सी तथा एफ के बीच बन गया प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा हो गया, वास्तविक और उल्टा हो गया। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक एंड करते हैं। ध्यान रहे हम लोग अभी आरेख खींच रहे हैं अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का, दो आरेख खींच लिए हैं, अभी भी अवतल दर्पण में पांच आरेख खींचना बाकी है। तो आगे की क्लास में हम लोग आगे की फिगर को ड्रॉ करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।